जिस सड़क निर्माण में जिम्मेदारों के कोताही बरतने से नाराज होकर शिवराज सरकार के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने चप्पलें त्यागी थीं और बाद में निर्माण कार्य पूरा होने पर पहन ली थीं। अब उसी सड़क के अचानक धंसने का मामला सामने आया है। इसके चलते पानी की लाइन फट गई और स्थानीय लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। मामला ग्वालियर का है। ऐसे में कांग्रेस को बैठे बैठाए मुद्दा मिल गया है और इस मामले को वह घटिया सड़क निर्माण से जुड़ा बताकर विरोध कर रही है। गौरतलब है कि पिछले दिनों ग्वालियर में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने उनकी खुद की विधानसभा क्षेत्र स्थित लक्ष्मण तलैया पर सड़क निर्माण में जिम्मेदारों के कोताही बरतने से नाराज होकर चप्पलें त्याग दी थीं। लेकिन बाद में सड़क निर्माण कार्य लगभग पूरा होने पर उन्हें केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने चप्पलें पहनाई थीं। हैरानी की बात यह है कि अभी लक्ष्मण तलैया सड़क को बने महीना भर नहीं हुआ है और एक स्थान पर सड़क धसी दिखाई दे रही है। भाई ये लाइन का इनके प्रेशर कैसे खोला, इनने क्या करा, या तो इनकी कोई गड़बड़ खुलने वालों की, घुमाने वालों की, दूध आ रहे हैं, जो भी आया मन में आ कर दिया। इतना पानी था यहाँ पे कि घरों में कम से कम मेरा ख्याल है कि एक डेढ़ फुट घरों के अंदर पानी था, जिसमें सुनील शर्मा भी देख गए, बाकी तो अभी कोई और नहीं था, तो कोई आया नहीं देखने के लिए, हाथों से सफाई करी और कोई सुनवाई नहीं है। ऐसे तो होता रहेगा, कब तक चलता रहेगा। रोड को हुआ मेरा ख्याल है कम से कम ज़्यादा नहीं तो अभी 15-20 दिन के आसपास हुए होंगे रोड को। अब रोड की कमी तो ये है भाई, ये लाइन फट गई है, ये कमी है रोड की, तो दोबारा खोदने के लिए, तो बाकी रोड में कोई दिक्कत नहीं थी, सही रोड बन गई थी।